जिला कांगड़ा। ये जो हमारी सरकार के निर्णय हैं और वो हमसे बिना अनुमति के या बिना हमारे संज्ञान में लाए एक तरफा निर्णय ले जा रहे हैं, वो चाहे हमारे फेवर में हो चाहे अनफेवर में हो, तो उसके विरोध में जिस तरह से हम लोग ने पिछली बार भी 17 तारीख को एक ऐसा ही विरोध प्रकट किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, फिर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन सौंपा था डीएम साहब के थ्रू 24 तारीख को, तो इस तरह इसी कड़ी में ये काली पट्टी बांध करके आज विरोध प्रकट हम कर रहे हैं। जैसे हमारा एमपीए हमारा टाइम से लगाना चाहिए था और वो हमारा डिसीजन नहीं लिया गया, हमारे डीपीसी भी जो हमारी प्रमोशन होते हैं उसमें भी काफ़ी लेट हो गए हैं, आए करीब 1.5 साल से हमारी डीपीसी भी नहीं हुई है। तीसरी वे जो हमारा अधिवर्ष काल जो हमारी नौकरी की आयु बढ़ा दी गई है उसमें हमें ऑप्शन भी दे दिया गया कि हम करना चाहें या ना करना चाहें, वो थोप दी गई कि आपको जो है ज़्यादा दिन नौकरी करनी ही पड़ेगी। अब वो 65 साल वर्ष भी कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे आप नौकरी ना बढ़ाओ, पब्लिक हित में जरूरी है कि आप चिकित्सा पूर्ति रखें, पर्याप्त आपूर्ति रखें, लेकिन हमारे पास ऑप्शन तो होना चाहिए कि हम इस लायक हैं करने के या नहीं करने के लायक, हम करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, तो हम कहते हैं आप ऑप्शनल रखें। तो इसी तरह से जो सरकारी जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी वो भी हम लोगों का काफ़ी एक मानसिक उत्पीड़न हमारा करते हैं, तो हम उसके सब ये चीज़ें सब मिला करके एक विरोध प्रकट कर रहे हैं। इसी तरह से जैसे हमने 17 तारीख को किया फिर 24 तारीख को आज कर रहे हैं, तो अगर सरकार इन बातों को संज्ञान में नहीं लेती और जल्दी हमारे फेवर में निर्णय नहीं करती हैं तो हम इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और जैसे भी हमारी सेंट्रल कोर कमेटी है लखनऊ में केंद्रीय कार्यकारिणी, वो जैसा हमारा डिसीजन करेंगे उनके अकॉर्डिंग हम आगे इस आंदोलन को बढ़ाएंगे, उसमें हमारे ऑप्शन खुले हैं कि भाई हम क्या करना चाहते हैं।